canal में शी हैज सम इन्फेक्शन, शी इज़ प्योर इंडियन गेट ब्रीड, ओटाइटिस हुआ है उसे, काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑन हर राइट ईयर, थोड़ा सा घाव हो गया है, वी आर ट्रीटिंग हर, नाउ आई एम क्लीनिंग द वूंड एंड देन वी विल अप्लाई सम न्यूरोकाइन मेडिसिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। नीम है इसमें, शतावरी है, गौमूत्र के का अर्क है, गौ अर्क जिसे कहते हैं हम, और पानी है इसमें। इट्स अ वेरी गुड क्लेंजर, ये बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। This is some herbal water. It has some constituents of neem. Neem है इसमें, शतावरी है, गौमूत्र के का अर्क है, गौ अर्क जिसे कहते हैं हम, और पानी है इसमें। इट इज़ अ वेरी गुड क्लेंजर, ये बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। अब ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, गौमूत्र का अर्क, नीम, दालचीनी का पाउडर का मिक्सचर, उसका रस, पंचगव्य का भाग है इनमें से कुछ, गौ अर्क समझे, इसका दूसरा नाम गौमूत्र का केमिकल नेम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दिया गया है, और कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं उसमें केमिकल, एंटी फंगल।
अब हम देख सकते हैं द इंटीरियर वाउंड इज प्रीटी मच क्लीन, इसमें मेडिकेशन भी लग गया है एंड शी इज़ फाइन नाउ। अब वो ठीक है, थोड़े से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कन्वल्शन, वर्टिगो का प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ दी वायरल इन्फेक्शन एडेड बाय फंगल इन्फेक्शन, जिसे हमने ट्रीट कर दिया है। डेली कान के घाव की सफाई एंड उसमें मेडिकेशन लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हो गया है। शंभल ग्राम देवराज कल की साइनिंग आउट।